अरे तो ट्रैफिक इस वजह से लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ। नहीं 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 बिल्कुल नहीं खोलते, बिल्कुल नहीं, जाओ ना अब। हाँ तो अरमान मलिक के में चले गए, जीजी का फंक्शन कैंसिल हो गया, पता नहीं क्या इस वजह से गुस्सा है। ये बात आपको भी पता है गलती किसकी है, ये बात मुझे भी पता है गलती किसकी है, दुख तो लगता ही है, दुख तो लगता ही है। अरे तो दुख लगने वाली बात क्या है, तो अब मेरे को किसी ने बुलाया है कि उसके फंक्शन में नहीं जाऊं, मैं अपना काम नहीं करूं, ये आपको भी पता है फंक्शन किसके वजह से कैंसिल हुआ है। तो गाइस अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए, और हमने साथ में ही होटल रूम ले लिया था, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट फ्री में क्या है कि होटल के बिल के साथ ही जुड़ जाता है। तो चलो नाश्ता करते हैं, पेट भर के, रात का भी अभी खा लेने, आती पेट भर के खा लेना नाश्ता है। ये पोहा खाओ, खाओ इडली भी है साथ में, इडली, ओह माय गॉड, अंडे, ओह हो, इसमें खीर है, क्या ब्रेकफास्ट है सब, खीर, अंडे, खीर, इडली, ब्रेकफास्ट लगभग लगभग हर जगह सेम होता है ना। चाय आएगी, अभी खत्म होगी, होगी आ रही होगी। तो स्वाति डाइट पे है, स्वाति ने लिया है सिर्फ इतना, वेरी गुड। चाय तो गाइज मैं डाइट पे हूँ, मैं खा रहा हूँ फ्रूट्स, सुबह सुबह फ्रूट्स खाना हेल्दी होता है शरीर के लिए, इसीलिए। तो आ जाओ, तो फाइनली अब हम चेकआउट कर रहे हैं होटल से और निकलते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि आज हो चुका है 7 अप्रैल, क्योंकि कल 8 तारीख है और कल युग का बर्थडे है, तो हम घर पे ही केक काटेंगे। पहले फंक्शन का प्रोग्राम था, फंक्शन तो कैंसिल हो गया, और आप लोग कमेंट कर रहे हो इसका मैं आपको घर पे जाके जवाब दूंगा कि किस वजह से प्रोग्राम कैंसिल हुआ था। तो टाटा, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर, मेरा कुच्ची पुच्ची टुकी, नमस्ते नमस्ते, मेरा कुच्ची पुच्ची पुच्ची, मेरा बाबू, शादी बनाओ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, आप हमारे फंक्शन में आना, हाँ भैया, 7 और 8 को है। इसके बर्थडे पे करेंगे तब आना पक्का, स्वाति का चश्मा अच्छा है ना, हाँ। दू फिर भी लग रही है, मालूम तेरे मन की गलत फहमी है, धूप नहीं है बल्कि ये जो चश्मा है रोक रहा है पूरी तरीके से, धूप आँखें ही छोटी है मेरी, आँखें दिख रही है, अच्छी लग रही है चश्मे में, कैसे सही मेंशन भैया, बिना ग्लास वाला अच्छा लग रहा है ना। लेकिन गाइस बहुत मजे आए, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, अच्छा आया था, अभी वो 25 किलोमीटर भी होगा, कोई इसमें नहीं चलना था, चलो अभी इसी में, वहां वाला अच्छा है। अरे का तुम्हें करना क्या, चाय पीनी है, चलना है फिर निकलना है। तो ये देखो ये कैसे खेल रहा है पापा के साथ, गिरियो मत बस, कहाँ चढ़ा हुआ देखो ना ध्रुव, अरे अरे क्या कर रहे हो बच्चा, पा, 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 पा। जैसे जैसे बड़ा हो रहा ना वैसे मेरा बदतमीज हो रहा है, चलो चलो। तो फाइनली हम मन्नत में आ गए, थोड़ा सा चाय नाश्ता करेंगे और फिर लिख लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा सफर है, हम रुक रुक के चलना चाहिए, रुक रुक के चलना चाहिए, मेरी चप्पल खो गई, मेरी चप्पल 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 मेरी चप्पल खो गई, चप्पल मिल गई है, ध्रुव चाय पियोगे या आपसे यार बड़ा लड़े आता है, पापा है ना भाई, ये तेरे धूप लग ले गुल्ला को, तो हम बोल रहे हैं तो हम मन्नत में आ गए हैं, थोड़ा सा चाय पीने के लिए आकांक्षा दीदी भी आ गई है, चलते हैं चाय पीते हैं। क्या हुआ, बहुत मुश्किल है जिंदगी जीना, इतना आसान नहीं है, क्यों बता रही तुम्हें, कमेंट किया मैंने आपकी वीडियो में,
मैंने जो ट्राई किया उसमें देखा नहीं। अच्छा तुरंत ही कमेंट आती लाइक मार देती हूँ क्या? वो वेट कर रही होती है कि अभी कोई कमेंट आने वाला नहीं। मैंने टैरो कार्ड में देख लिया था कि तुम कमेंट करने वाले हो। अच्छा दिस इज नॉट राइट। आप रुकिएगा मत, आगे निकल जाइएगा। मैं आगे आके पर्स ले लूँगा क्योंकि शायद उसका पोल्यूशन नहीं है और ये पोल्यूशन वगैरह चेक कर रहा है। क्या हुआ? चलो क्यों रोका था? चलिए फिर क्या हुआ? निकल जाइए, निकल जाइए। ठीक है मैं छोड़ दिया ये रोक लिया था पुलिस वालों ने हमें। निकल जाइए, निकल जाइए। पोल्यूशन दूसरे साइड से निकल जाइए। ठीक है अगर निकाल रहा है तो कोई वो नहीं है। पोल्यूशन चेक कर रहे हैं बस, पोल्यूशन वगैरह चेक कर रहे हैं वो। तो आप फाइन ले लिया? कुछ नहीं लिया। क्या कह रहे तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं अपने घर। इतना दूर का सफर करके आए जाना, थक गए बहुत ज्यादा। 6:30 बजे के आसपास आने वाले थे लेकिन हमने कहा कल तो हमें अर्जेंट में पहुंचना था, लेट नहीं होना था क्योंकि फंक्शन निकल जाता। तो मैंने गाड़ी रोकी नहीं, एक ही बारी में पहुंच गए। बट आज रुकते रखते आए तो रात के 10:30 हो चुके। देखो 4 घंटे मतलब 600 किलोमीटर था तो हर 150 किलोमीटर मतलब हर 2 घंटे बाद मैंने आधे आधे घंटे का गैप लिया क्योंकि गाड़ी को भी आराम मिलना चाहिए। इस वजह से सच में बहुत टाइम हो गया यार। चलो मम्मी को फोन करो, गेट खोले, रात भी हो गई काफी, कोई नहीं, दुकान में कोई भी नहीं है। वैसे तो हम इतने टाइम पे कभी टहलते हैं पर अभी इतना थकान हो रही है कि नींद इतनी तेज आ रही है बाबू, बहुत तेज नींद आ रही है क्योंकि कल भी नहीं सो पाए ना इसलिए, और रात में नींद बहुत तेज आ रही है। चलते हैं फिर, हम मम्मी कॉल करते हैं। तो फाइनली हम लोग घर के पास आ चुके हैं। ये आओ मम्मी, पापा जी गेट खोल दो। गेट ही खोलेगा, तुम क्या कहती हो हम 6 बजे आएंगे हैं? और बताओ तुम 12 बजे आ रही हो घर। अरे तो ट्रैफिक का पता है, इस वजह से जाओ, लौट जाओ यहां से, लौट जाओ, आप भी ससुराल जाओ। अब आओ गेट खोल दो, क्या हो गया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं खोल देंगे, बिल्कुल नहीं, जाओ फिर ससुराल जाओ। यहां मामा जी इस तरह पर थे, सो रहे थे। अरे क्या हो गया मम्मी, लेट हो गए, ट्रैफिक था। चलो आओ ना अब। अरे अभी अंदर बात करते ना मम्मी से। चलो चलो आओ। कौन है? आओ। कौन ड्राइवर? क्या हो गया? अरे तो रुक रुक के आए थे, थक गए। आए क्या, क्या हो गया? वो तो कुछ नहीं गया, बता रहे हूं। अरे तो लेट हो गए, टाइम से निकलते, जल्दी निकलते, जल्दी आ जाते। क्या हो गया पापा की मम्मी को? पता नहीं क्या तुम्हारी बात है, हमारे हमें तो पता नहीं जाने तो हमें ये पता था कि आ जाओगे सुबह तक। अरे इस बात से गुस्सा है, जीजी का फंक्शन था ना आज तो वो कैंसिल हो गया। हमारा अरमान मलिक के में चले गए, जीजी का फंक्शन कैंसिल हो गया, पता नहीं क्या इस वजह से गुस्सा है। तो क्या हो गया आपको, मुंह क्यों बन गया फिर आपका? बिटिया का फंक्शन कैंसिल हो गया इसलिए? तो इसमें क्या हो गया अब? ये बात आपको भी पता है गलती किसकी है, ये बात मुझे भी पता है गलती किसकी है। अरे तो दुख लगने वाली बात क्या है? तो अब मेरे को किसी ने बुलाया क्या उसके फंक्शन में? नहीं जाऊं मैं, अपना काम नहीं करूं? ये आपको भी पता है फंक्शन किसके वजह से कैंसिल हुआ है? अभी अगले ब्लॉग में बता भी दूंगा मैं सबको किसके वजह से कैंसिल हुआ है। तो इसमें आप ये क्यों कह रही होगी मैंने करवाया? इसी बात से गुस्सा है मम्मी। स्वाति मुझसे अभी कुछ बात मत करो यार, मेरा दिमाग वैसे भी ठीक नहीं है, घर पे आ गई ये सब ड्रामे, मुझसे बात मत करो ठीक है? इतना वैसे थक के आई है तो देखना चाहिए, थक के आ रहे बच्चे, कुछ तो अपनी बिटिया को सब लगा रहता है। क्या हो गया तो सामान क्यों फेंक रही हो, पागल हो? और तो कुछ करनी सब्जी ना मैं तो गाइस सच बता रहा हूँ। अरे एक मिनट रुक जाओगी अब, ये अनएक्सपेक्टेड था एकदम से, क्या हुआ समझ नहीं आया कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अब मैं ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा कि फंक्शन जीजी का किस वजह, अभी तो आज मैं थक के ही आया हूँ
कि किस वजह से कैंसिल हुआ है, क्यों कैंसिल हुआ है। अब मम्मी ये सोच रही है कि मैं करना नहीं चाहता था, अगर मैं करना नहीं चाहता था तो मैं इस बात को उठाता ही नहीं। अभी अगले ब्लॉग में बताऊंगा फंक्शन किसके वजह से कैंसिल हुआ है, बट मम्मी को सीधा सीधा लग रहा है कि हमारा मन नहीं था करवाने का। अगर हमारा मन नहीं होता तो हम बात ही नहीं उठाते, हम जाते ही नहीं काम को इतनी दूर तक, और क्या फंक्शन की बात ही नहीं उठाते। होली अब, पे हम इतनी दूर मात गए, और अरमान मलिक के बेटे का बर्थडे था, उन्होंने इनवाइट किया तो हमने चला, हम चले गए क्योंकि फंक्शन कैंसिल हो गया था। अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा फंक्शन कैंसिल क्यों हुआ। अब मैं बस थकान हो गई है, तो इस ब्लॉग को लाइक क्या करोगे, लव यू, मूड वैसे खराब हो गया, इतना बढ़िया सफर करके आए थे एंड टाइम पे। चलो टाटा, कोई बात ही नहीं करने।